हमारे साथ हैं मोहम्मद अजमल खान, जो आजमगढ़ चैंपियन लीग के फाउंडर हैं। और सबसे बड़ी बात है, आजमगढ़ आजकल चर्चा में है, और चर्चा की वजह है, आप लोग जानते ही हैं, टेस्ट डेब्यू टेस्ट में दोनों पारी में अर्धशतक बनाने वाले आजमगढ़ के लाल सरफराज खान को लेकर। तो मोहम्मद अजमल खान सरफराज को आज से नहीं, जब वो पहली बार खेलना शुरू किए थे यानी 4 साल की उम्र से, तब से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले इनका परिचय हम जानते हैं और इनके बारे में जानते हैं। साथ प्रधान भी हैं ये, खुद अपना सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अजमल खान है और मैं परिचय मतलब मेरा एक मैं सामाजिक मूल्य कार्यकर्ता हूँ और मैं एक लीग कराता हूँ जिसका नाम है आजमगढ़ चैंपियन लीग। और कहाँ, किस गांव के रहने वाले हैं आप? मेरा गांव मोहिद्दीनपुर है। हाँ। और यहीं पे मेरा रेस्टोरेंट है आजमगढ़ में, तो मैं ज़्यादातर दिन भर आजमगढ़ ही रहता हूँ। तो सरफराज को कैसे जानते हैं आप? उसके पिताजी को जानते हैं आप, क्योंकि मैंने देखा आप सांसद जी से बात करवा रहे थे। जी। तो एक्चुअली मैं मुंबई रहता था पहले, तो वहाँ पे आज़ाद मैदान एक जगह है मुंबई में, तो हम लोग वहाँ पे मेरे मामू का भी एक जैसे ग्राउंड था, वहाँ पे कई ग्राउंड है, 22-24 ग्राउंड 35 ग्राउंड पूछा, तो मेरे मामू का भी एक ग्राउंड था। तो मैं जाता था शाम में, दोपहर में कभी भी वहाँ जाता था, तो वहाँ पे सरफराज आता था वहाँ पे खेलने के लिए। मतलब छोटा था तब, मतलब मुझे लगता है 4-5 साल का था तब से, नौशाद भाई उसको लेके आ रहे थे उसी ग्राउंड में, वहीं पे प्रैक्टिस स्टार्ट से ही, तब से मैं उन लोगों को जानता हूँ। तो लोग जैसे मीडिया में आ रही है, नौशाद भाई का त्याग जो है सरफराज को आगे ले गया, तो आपने नज़दीक से देखा है, तो कुछ अनुभव बताएंगे आप? नौशाद भाई ने सरफराज के लिए, देखिए नौशाद भाई भी एक क्रिकेटर थे और मतलब नसीब नहीं था उनका खेलना इंडिया टीम में, लेकिन अच्छे प्लेयर थे नौशाद भाई। अच्छे प्लेयर नहीं रहते तो सरफराज को आज यहाँ तक लेके नहीं जाते। तो नौशाद भाई ने बहुत मेहनत किया, अब जब वो नहीं बन पाए तो उनका एक फोकस था कि मैं अपने बेटे को वहाँ तक पहुँचाऊँ। उन्होंने उसके लिए बड़ी मेहनत किया, सरफराज के लिए और मुशीर के लिए भी। मुशीर भी अंडर-19 खेल के आया अभी वर्ल्ड कप, वहाँ पर भी 2 सेंचुरी बनाया। सरफराज तो खेला एक मैच अभी, दोनों इनिंग 50 मारा है। तो सोशल मीडिया पर काफ़ी नेगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हो चल रहा है, जबकि सबने देखा, आपने भी देखा होगा, एक तरफ यशस्वी जायसवाल थे, एक तरफ सरफराज था, तारीफ दोनों की होनी चाहिए थी। लेकिन एक जो सोशल मीडिया आज का ट्रेंड चल रहा है, किसी को पक्ष में करके किसी को नीचे गिराना, तो कहीं ना कहीं इसका शिकार सरफराज हुआ है, आप मानते हैं? बिल्कुल नहीं, सरफराज देखिए ऐसा था कि सरफराज रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छा रन बनाया, बहुत ज़्यादा बनाया, मतलब उसने डाउन ब्रेडमैन की बराबरी किया वहाँ पे। तो लोग कहते थे यार अब ले लें, टाइम तो लगा उसको आने में। उसकी वजह से सोशल मीडिया पे बहुत से लोग सही भी कमेंट किए, बहुत से लोग गलत भी कमेंट किए, लेकिन मेरे हिसाब से सरफराज जो आया है, देखिए इतने देश की आबादी 140 करोड़ है, 140 करोड़ में 11 लोगों को खेलना है, तो भाई टाइम तो लगेगा आने में, इतना जल्दी तो कोई नहीं आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ सरफराज के साथ, लेकिन जो भी हुआ सही हुआ। आजकल हमारे क्रिकेटरों में इतना दमखम है, कई टीम बन सकती है आज की तारीख में। अगर इंडिया की बात करें तो अगर हम टीम बनाना चाहें तो 10-20 अच्छी टीम बन सकती है, तो मेरे ख्याल से सरफराज साथ उतना नाइंसाफी नहीं हो जितना कि उसको बताया गया। बिल्कुल नहीं, तो सरफराज से मिले हैं आप, उससे जुड़ी कुछ बातें बताएंगे आप? सरफराज नेचर में बाय नेचर बहुत अच्छा लड़का है, उस देखिए ज़मीन से जुड़ा हुआ लड़का सरफराज है। सरफराज कभी भी IPL खेल रहा था तो भी आजमगढ़ आता था, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा हो सेलिब्रिटी हो गया है तो नहीं आना है, आजमगढ़ आता था और ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जिससे बातचीत है उसकी है, ऐसा नहीं है कि वो बड़ा आदमी हो गया तो लोगों से दूर होने लगा। सरफराज का बाई नेचर बहुत अच्छा है। तो आप अभी आए थे सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ से मिलने, कुछ आपने बात भी करवाई, क्या बात हुई? एक्चुअली सरफराज के गाँव जो है जहाँ पर घर बना उसका गाँव है बासुपार, लेकिन वो लोग सेटल हुए हैं छत्तरपुर गांव में, अपना ज़मीन वमीन लेकर घर बनवाए हैं। तो जो रास्ता जाता है वो रास्ता बहुत गड़बड़ है, मैं गया था बीच में भी, कई बार उधर जा चुका हूँ, रास्ता बहुत गड़बड़ था, तो वही मैंने सांसद जी को बताया कि मैंने सर वो रास्ता बहुत गड़बड़ है, उसको अगर देख लेते, तो सांसद जी ने कह दिया ठीक है अभी मैं उसको 10 दिन में बनवा दूंगा। और सांसद जी को स्वागत की तैयारी के बारे में कुछ बता रहे थे, क्या है वो? सांसद जी कह रहे थे, वही नौशाद भाई से मैंने बात कराया सांसद जी की, तो सांसद जी ने ये कहा कि आप आइए हम लोग स्वागत करेंगे आजमगढ़ में ज़बरदस्त। अब एक इससे हट के सवाल, वर्तमान में चुनाव आने वाला है, चुनाव में तरह तरह की बातें होती है, कई समीकरण होते हैं, तो एज ए सांसद निरहुआ को आप कितना सक्षम मानते हैं, तो 1.5 साल कार्यकाल मिला उनको, तो एज ए सांसद दिनेश भैया को मैं तो मानता हूँ बहुत काम किए हैं 1.5 साल में, जो काम किए हैं दिनेश भैया अभी तक किसी ने नहीं किया, मैं यहीं का हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, 40 साल मेरी उम्र हो गई। लेकिन भैया आजमगढ़ में जो वोटिंग होती है ना, आपको मैं बता दूँ, ये यहाँ पे धर्म के नाम पर वोटिंग होती है, जात के नाम पर वोटिंग होती है, यादव हैं, मुस्लिम हैं और दलित बिरादरी के सबसे ज़्यादा वोटर हैं, तो यहाँ पे किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता। जो दिनेश भैया ने जो काम किया वो तो बहुत अच्छा काम किए हैं यहाँ पर आजमगढ़ के लिए, लेकिन फिर अभी इलेक्शन आएगा, देखिए क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ बोलना चाहेंगे यूनियन मीडिया के दर्शकों को? नहीं भैया, आप यूनियन मीडिया का जो चैनल है भैया का सब्सक्राइब करिए, आप लोग फॉलो करिए भैया, बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।